ये तेरे लिए है। वाओ, कितनी अच्छी है। मैं अपनी सहेलियों को दिखा के आऊं। माला, ओ माला, जरा बाहर तो आना। ये लो, ये भरत के लिए कुर्ता और तुम्हारे लिए साड़ी। ऐसी साड़ी? ऐसी साड़ी तो हमारे यहाँ नौकर चाकर भी नहीं पहनते हैं, और आप ये साड़ी मुझे दे रही हैं? एक काम करिए, ये साड़ी ना आप खुद ही रख लीजिए। अरे वाह जानकी, आज तो तुम पूरी बाजार उठा लाई हो। आखिर इतने पैसे आए कहां से? ये सब मेरे प्यारे देवर भरत का कमाल है। अच्छा, तुम तो साल में सिर्फ दो फसलें उगाते हो, कभी दिखाया है ऐसा कमाल? हाँ भाई, हम तो ठहरे किसान, हम कहां दिखा सकते हैं ऐसा कमाल। अच्छा ये बताओ, बड़े बाबू की कमाई में हमारा भी कुछ हक है या नहीं? तुम्हारा नंबर अगली बार आएगा, इस बार सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन सिगरेट माचिस के लिए कुछ पैसे तो दे दो, 15 दिनों से उधार पी रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो। बस सिर्फ 50 रुपए? इस बार इसी से काम चला लो, सारे पैसे खत्म हो गए बच्चों के कपड़े खरीदने में। चल भाई, इतने से काम चला ले। जानकी। हाँ। अब भरत कमाने लगा है, उससे कहो कि थोड़ा थोड़ा करके सेठ के पैसे चुका दे। ठीक है जी, भरत आएगा तो मैं बात करूंगी उससे। दीदी, मुझे 1000 रुपए चाहिए। 1000? क्या करोगी? ये भी आपको बताना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अभी तो पैसे नहीं है, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। हाँ, दूसरों की कमाई उड़ाने में मोह माया थोड़ी लगती है। देखती हूँ अगले महीने आप कैसे रंगरलियाँ मनाते हो। घर में कोई है? कौन है? आप लोग कौन हैं और किससे मिलना है? मैं शांति देवी हूँ और हमें अपनी बेटी से मिलना है। मगर ये अगर मगर क्या लगा रखा है? अरे पहलवान। क्या 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 कहा तुमने? मेरा मतलब भाग्यवान। अरे कभी दूसरे के अभी तो सुन लिया करो। देखो बेटी, हम लोग माला के माता पिता हैं। ओह, तो आप लोग माला के माता पिता हैं? नमस्ते। नमस्ते जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं माला को बुलाती हूँ। माला, बहू। अरे ओ बहू, देखो तो कौन आया है। अरे पिताजी, मम्मी, आप दोनों और यहाँ। हाँ बेटी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए तुमसे मिलने चली आई। तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा था, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, मैं भी तुमसे मिलने का सोच रही थी। मन लगेगा कैसे, ये कोई रहने की जगह है? आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहने दे बेटी, हम जिस घर में बेटी देते हैं उस घर का अंत तो क्या, उस गांव का पानी तक नहीं पीते। तू कष्ट मत कर, हम लोग शीघ्र ही चले जाएंगे। ठीक है, मैं गुड़िया के पिताजी को बुलाती हूँ। बेटी, मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मेरे यहाँ आकर रहो, क्योंकि मुझे ना तुम्हारा घर पसंद है और ना ही घर वाले। और एक बात सुन, पति की कमाई पर पत्नी का हक होता है, इसलिए दामाद जी के पैसे ऐरो गैरो में मत लुटाना। वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं, वो तो सारी कमाई अपनी भाभी के आंचल में डाल देते हैं, उनके लिए तो बस उनके भैया और भाभी ही सब कुछ हैं। अरे थोड़ी दुनियादारी सीख,
अपने पति को अपने मुट्ठी में कर। हाँ, जिसने खुद अपने पति को मुट्ठी में किया है वो दूसरों को भी तो यही शिक्षा देगा ना। तुमने फिर कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल जो मैं कुछ बोलूं? तुम बोलती रहो, बोलो बोलो। बेटी, औरत ने तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की तपस्या वहां कर दी है। अरे, उसके आगे तो स्वयं भगवान भी नतमस्तक है। तू भी त्रिया चरित्र का ऐसा जादू चला कि तेरा पति सिर्फ और सिर्फ तेरा होकर रह जाए, वरना ऐसे ही इन पर अपना धन लुटाती रही तो एक दिन तुम और तुम्हारे बच्चे भिखारी हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँ माँ, वो मेरे सुनते ही नहीं। सुनेंगे, जैसा मैं बताती हूँ वैसा करती जा। आ इधर सुन। अगर दुनिया की हर माँ अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देने लगे तो उसका घर परिवार बसने से पहले वही उजड़ जाएगा। तुमने फिर मुंह खोला? कितनी बार कहा है कि हमारे बीच में दखल मत दिया करो। मैं कहाँ दखल देता हूँ, इतनी मेरी हैसियत कहाँ है? माला बेटी, जैसा मैंने कहा है ठीक वैसे ही करना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे पिताजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं, बैठिए ना। नहीं बेटे, बहुत देर से आए थे, अब हम चलते हैं, इजाजत दो। ये क्या बात हुई, मैं आया और आप लोग चल दिए? हम तो माला से मिलने आए थे, मिल लिया, अब चलते हैं। चलो जी। भाभी, ओ भाभी। आपकी भाभी आपकी सासू माँ को छोड़ने गई है। ओह शैतान, चल ये ले अपने खिलौने। वाह चाचा, मेरे पास एक टोकरी खिलौने हो गए हैं। अच्छा, अब मैं चली खेलने। बाय चाचा। माला, माला। जी कहिए। अरे ये क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मेरा हार चोरी हो गया। क्या, हार चोरी हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, हार यहीं कहीं होगा, हार कौन चुराएगा? मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। पक्का ये काम तुम्हारी प्यारी भाभी ने ही किया होगा। माला, ये तुम क्या कह रही हो, भला वो तुम्हारा हार क्यों चुराएगी, जिसने मुझे पढ़ाने के लिए अपना सारा गहना बेच दिया हो? वो सब दिखावा था, तुम उसकी असलियत नहीं पहचानोगे। ऐसी बातें मत करो माला। अच्छा मैं बताती हूँ उनकी असलियत। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी कमाई पर मेरा कोई हक है या नहीं है? बिल्कुल हक है, मेरी कमाई क्या, मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा हक है। पर तुम ये पूछ क्यों रही हो? आज मैंने भाभी से 1000 रुपए मांगे थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया देने से। मना कर दिया? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने भाभी को 30,000 रुपए दिए थे, फिर भाभी ने ऐसा क्यों किया? उन्हीं पैसों से तो उन्होंने अपने लिए सिल्क की साड़ी खरीदी, भैया के लिए सिल्क का कुर्ता और गुड़िया के लिए फ्रॉक लिया, और बेचारा लखन उसके लिए एक घटिया सा अजीब सा कुर्ता लिया जो कोई चपरासी तक नहीं पहने। चलो ठीक है, उसके लिए कुछ तो लाई, लेकिन हम दोनों के लिए मिट्टी का ढेला तक नहीं लाई। लेकिन भाभी ने ऐसा क्यों किया?
और भैया, भैया ने कुछ नहीं बोला। वो क्या बोलेंगे, वो तो चाबी का खिलौना है। दीदी चाबी भरती जाती है और वो नाचते जाते हैं, और बोलेंगे भी क्यों, आखिर तुम दोनों सौतेले जो हो। सौतेला? अरे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा मन तो गंगा जल की तरह पवित्र है। तुम भैया को देवता मानते हो और वो तुम्हें सौतेला। प्लीज माला, ऐसी बात मत करो। देखो तुम उनकी ज्यादा तरफदारी करोगे तो मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। नहीं माला, मेरा मतलब सभी इस घर में एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। क्या खाक चाहते हैं? तुमने देखा नहीं दोनों मियां बीवी को, लखन को कैसे कुत्ते की तरह रखते हैं। दिन भर काम कराते हैं और शाम को रूखा सूखा सामने डाल देते हैं, और वो बेचारा कुत्ते की तरह चाट जाता है। लेकिन कल की सोचो, कल हमारी भी औलादें होंगी। तुम पैसे लाकर उनकी झोलियां भरते रहोगे और हमारा बच्चा भिखारी की तरह उनके सामने हाथ फैलाया खड़ा रहेगा। माला, भैया ने बड़ी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के हमें पढ़ाया है। अरे उन्होंने कौन सा तुम पे अपनी दौलत खर्चा की? बाप दादा की छोड़ी हुई एक एक चीज को गिरवी रख दिया, और उससे जो पैसे मिले उनमें से 10 तुम पे खर्चे और 90 से अपना घर भर लिया। भरत, तू कब आया? तुम्हारे सास ससुर आए थे, थोड़ी देर पहले आता तो उनसे भी मिल लेता। क्या बात है भरत, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम दोनों खामोश हो, कोई बात है? भैया वो क्या है कि माला का। रहने दो, मैं बता देती हूँ, मेरा हार चोरी हो गया है। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? आज तक कभी इस घर में चोरी नहीं हुई, किसी का सामान गुम नहीं हुआ, और तुम। अच्छा तो फिर मेरा हार कहाँ गया, धरती निकल गई या आसमान उड़ा लिया? तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। मैंने ठीक से ढूंढ लिया, अगर घर में होता तो मिल ही जाता, लेकिन बेच दिया गया होगा तो कैसे मिलेगा। बहू तू हद से ज्यादा बोल रही हो, जानती हो तुम वो इल्जाम लगा रही हो जो गुनाह यहाँ किसी ने किया ही नहीं। हाँ माला, तुम अंदर चलो। आखिर हार गया कहाँ? चलिए जी, एक बार हम ढूंढते हैं।